दोस्तों यहाँ पे राशन कार्ड या फिर कहेंगे जन आधार कार्ड से संबंधित एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, तो मुझे लगा क्यों ना इसके बारे में वीडियो बना के खास करके ई मित्र कियोस्क संचालक को इसके बारे में जानकारी दूं। दोस्तों खबर ये है कि 1 जनवरी के बाद में अगर किसी को भी राशन लेना है तो वो जन आधार कार्ड के माध्यम से राशन दिया जाएगा, ना कि राशन कार्ड के माध्यम से राशन दिया जाएगा। तो इसके बारे में दोस्तों आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ई मित्र कियोस्क को इसके अंदर क्या करना है जिससे कि किसी को भी यहाँ पे राशन लेने में कोई भी समस्या ना हो और ये ई मित्र के लिए कमाई की भी सर्विस कही जा सकती है। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो राशन कार्ड की जगह जन आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया है, और इसके बारे में पहले ही खबर आ चुकी थी कि जल्दी राशन कार्ड की जगह जन आधार कार्ड से यहाँ पे गेहूं का वितरण किया जाएगा और 1 जनवरी से ये कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो जितने राशन कार्ड में मेंबर हैं उतने ही मेंबर जन आधार कार्ड के साथ जुड़े हुए होने अनिवार्य हैं, तभी उनको गेहूं प्राप्त होंगे। इसके अलावा अभी तक जिन जिन लोगों का नाम नहीं जुड़ा है जन आधार कार्ड के अंदर, तो आसपास के लोगों को सूचित करें, क्योंकि दोस्तों पता है कि जन आधार कार्ड के अंदर और जो राशन कार्ड के अंदर जो खाद्य सुरक्षा में खास करके उनके अंदर नाम नहीं जोड़े जा रहे थे, लेकिन फिलहाल जब तक ये राशन कार्ड से की जगह जब जन आधार कार्ड से गेहूं मिलने लगेंगे तो हो सकता है कि जन आधार कार्ड के अंदर भी एड मेंबर की सर्विस को रोका जा सकता है। तो इसके लिए जरूरी है कि अपने आसपास के सभी लोगों को सूचना दे कि अभी तक अगर आपने अपना नाम नए जन्मे बच्चों का नाम नहीं जुड़वाया है तो जन आधार कार्ड के साथ जुड़वा ले। इसके अलावा किसी की शादी हुई है तो वो मेंबर को ट्रांसफर करवा ले। तो इस प्रकार से जितने भी मेंबर हैं उन सभी की डिटेल जोड़ के रखे। तो मुझे लगा क्यों ना इसके बारे में आपको जानकारी दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि राशन कार्ड के अंदर जो खाद्य सुरक्षा के अंदर है उसके अंदर नया नाम किस प्रकार से जोड़ा जाए। तो अभी दोस्तों आपको जोड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली काम आपका जन आधार कार्ड से ही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों फिलहाल जन आधार कार्ड के अंदर नाम जुड़ रहे हैं, आपको कोई भी समस्या या फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है भविष्य में क्या होता है मैं कंफर्म नहीं कहता, लेकिन फिलहाल के लिए नाम जुड़ रहे हैं तो आपको जरूरी है कि आप सभी नाम जोड़ ले। इसके अलावा जो राशन कार्ड में नाम जुड़े हुए वो तो जोड़ना अनिवार्य ही है, लेकिन अगर नहीं जोड़ेंगे तो वहां पे उनका गेहूं आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो ये एक नई अपडेट थी। अगर आपको अपडेट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूले।